आप लोगों ने पढ़ा है, ये हमेशा हमने लिखा है लेकिन कभी किसी के सामने डिसाइड नहीं किया है, तो इस वजह से आज पहली बार लिख रहा हूँ। ये उनके लिए है जो अपना घर छोड़कर दूर जाते हैं, जैसे रोहन है, कई स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं भी अपना घर छोड़कर दूर आया हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला फैजाबाद का हूँ, अयोध्या सुनाई होगा, फैजाबाद से। तो बेसिकली मैं फैजाबाद से हूँ, लखनऊ में अब रह रहे हैं, कानपुर में काम कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, अपना घर छोड़कर कमाने के वास्ते निकलते हैं। तो उसके लिए है कि लोग कहते हैं कि अरे यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, कि तुमको जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब हम दूसरे शहर चले आए, घर की बातें यादें आगन वही रह गए हैं, मोहल्ले की गलियों में अपने दोस्त यार कमाने के वास्ते छोड़ आए हैं। अम्मी रोज फोन करके करती हैं, अब वो रोज फोन के पीछे से कैरियर दे दिया करते, घमंडी है ना मेरे पिता, बात नहीं करते मुझे। अम्मी से टीवी के वास्ते रिमोट की लड़ाई भी नहीं है, क्या बताएं, तुमको जैसा दिखता है वैसा नहीं है। घर के शोर वाली जगह पे अब सन्नाटा रहता है, घर के शोर वाली जगह पे अब सन्नाटा रहता है, क्योंकि अब छत पे पतंग पड़ी रहती है, अप्पी का लगाया झूला भी कोई नहीं झूलता, आंगन पे चारपाई डालकर चाय पिए भी अरसा हुआ, कूलर में पानी भरने की चकल्लस भी नहीं है, कैसे बताएं तुमको जैसा दिखता है वैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक दो दो लाइन लिख लिया करते हैं, जैसे मेरी अपने पिताजी से लड़ाई होगी तो हम घर छोड़कर चले आए थे, और जब घर पे थे तो उस वक्त लड़ाई होती थी किसी न किसी चीज को लेकर, तो उस पर दो लाइन बस लिखी थी कि घर से दूर है तो मोहब्बत है, वरना साथ रहते बंटवारे किए हैं हमने। तुम्हारे लोग चाचा लोग भी होते ना, कुछ बंटवारे कर लिया करते, बड़े बदतमीज होते हैं चाचा, कोई है क्या चाचा लोग या कुछ। अच्छा एक ये एको हो रहा है, ओके, ये इश्क पे लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा था, वैसे मुझे इतना गाढ़ा इश्क हुआ नहीं है कभी, लेकिन पता नहीं क्यों लिख दिया था हमने, एक दिन ऐसे फील हो रहा था, तो लिखा है कि एक दिन मैं तुमको फिर ढूंढने निकलूंगा, वहीं कॉलेज की बेंच पे नजरें टिकाए, वहीं ट्यूशन में तुमसे नजरें छुपाए, वहीं गली में रूबरू पर नजरें झुकाए, इस उम्मीद में कि तुम मिल जाए शायद एक दिन, अधूरे नींद के ख्वाबों में, शायद किसी अनजान की बातों में, मे बी इंस्टा स्टोरी के व्यू में, शायद बेनमाजी के रुकों में। क्या बात, मुकर्रर। ये थोड़ा सा ज्यादा भयंकर उर्दू है, चश्म मतलब पता है किसी को क्या होता है, चश्मा नहीं आंखें, शाकिबा है इंतजार, तो इस पे लिखा है मेरे तेरे मिलने की अब चश्मे में शाकिबा देखने लगी है, मुद्दतों की जस्त लगाऊं कि अजल करीब है मेरा, मुद्दतों की जस्त मतलब छलान, अजल मतलब मेरी मौत। एक ये है जो खुददार लोग होते हैं उन पर लिखा है, मतलब हमारे बॉस से एक बार बहुत बुरी बहस हो गई थी, तो मैंने बॉस को बहुत गाली गलौज भी मैंने दे दी, मैंने कहा तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम कायदे के आदमी नहीं हो, तो मैंने उसको ऐसे सिखाने उसे व्हाट्सएप पे लिख दिया था कि पढ़ ले, उसको पता चल जाए कि तेरे ने लिखा, कि सलीके से बात करो ये रिश्ते और भी सवार देते हैं, खुददार और सबरमंदों से रुतबे और अकड़ का ख्याल रखना ये इज्जत उतार भी देते हैं। ये आदमी अकेला जो ताली बजा रहा है तो तुम मैं इश्क लिखूंगा तुम मुकम्मल लिख देना, मैं दो रूह लिखूंगा तुम एक जान लिख देना, मैं बेपनाह लिखूंगा तुम आखिरी सांस तक लिख देना, मैं उर्दू लिखूंगा तुम मुकर्रर लिख देना। और ये आखिरी है, पता नहीं ये भी कैसे लिखे, पता नहीं ये सही है, अच्छी मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, कि तुम अब आजाद हो। ये उस मतलब एक लड़की थी जिससे मतलब थोड़ा सा इश्क हुआ था, उसने उस वक्त, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरा ऐसा कोई गहरा वाला इश्क रहा नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं मतलब जिसने ना मतलब ऐसे वक्त पे साथ दिया कि बहुत अच्छा सा फील हो गया कि ये दोस्त हो सकती है, लेकिन वो दोस्त भी नहीं थी, कमी नहीं कि तुम अब आजाद हो। हमने मतलब ऐसा हमारी उसकी दोस्ती भी कम हो गई थी, तो हमने उसको कह दिया कि तुम अब आजाद हो, हम ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें आनी है दोस्ती निभानी है, तुम आजाद हो, तुम अब आजाद हो, क्यों, क्योंकि तुम एक शराब हो, क्यों, तुम जुबान से निकली आवाज हो, तुम बोलियों का समाज हो, तुम लाख सवाल का जवाब हो, तुम तहत्ता आफताब हो, हाँ तुम अब आजाद हो।
तुम बेपरवाह काम हो जिसपे कोई बस नहीं, तुम इंसानी हयात हो जिसका कोई अंत नहीं, जिसका होना ना होना कोई शक नहीं, तुम ऐसी कविता जिसका कोई रस नहीं, तुम घड़ी, तुम वो घड़ी जिसका कोई वक्त नहीं, तुम रक्त की बहती धार हो, तुम एकलव्य का साध हो, हाँ तुम अब आजाद हो, हाँ तुम अब आजाद हो। ये पहली बार थी, अगर पसंद आई हो तो जितनी जरूरत है ताली अगर बज सकती है। Hey friends, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.